लुधियाना के सानेवाल च श्रोमणी अकाली दल की रैली दौरान विरोध के मामले च शरणजीत सिंह ढिल्लों ने मुजाहराकारियों की वीडियो से पोस्टर जारी कर दिया। मुजाहराकारियों के नाम से संबंधित पार्टी की लिस्ट भी जारी की गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेसी वर्करा ने ही सुखबीर सिंह बादल के काफिले का राह रोकया से दावा किया गया। किसानों के नाम से विरोधियों वालों माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, यह दावा किया शरणजीत ढिल्लों ने। जी हाँ, बकायदा नाम, उन्होंने थां ते उन्होंने केड़ी पार्टी के नाल संबंध है, यह सारी लिस्ट अज श्रोमणी अकाली दल वालों जारी की गई है। शरणजीत ढिल्लों ने मुजाहराकारियों की वीडियो और पोस्टर जारी करके मुजाहराकारियों के नाम संबंधित पार्टी की लिस्ट जारी कर दी है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल 100 दिन 100 हल्के लैके चले ने और पंजाब भर के हलका वाइज रैलियां कीतियां जा रही ने। विधानसभा चोणां नूं कुछ समा बाकी रह गया पर रैलियां दौरान जिहड़े श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल का विरोध कर रहे हैं, आखिरकार वो है कौन ने? असी PTC न्यूज़ से बीते दिन ही एक खबर भी नशर की और काफ़ी कुछ सामने आया खुल के, जिस तरह के नाल पिछले दिन सानेवाल दे विच एक वड्डी रैली की गई सी। सुखबीर सिंह बादल खुद पहुँचे सी और जिहड़े विधायक है सानेवाल दे शरणजीत सिंह ढिल्लों, उन्होंने अज खुलासे किए ने क्योंकि उत्थे एक टेंशन क्रिएट हुई सी और सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ नारे लगे सी। शरणजीत सिंह ढिल्लों ने अपने घर के एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। पहले तो मैं तस्वीर दिखा रहा जिते शरणजीत सिंह ढिल्लों खड़े ने, इहदे पिछे बोर्ड लाए हुए ने और हलका सानेवाल विच श्रोमणी अकाली दल का विरोध करने लई कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी वालों भेजे गए बहरूपियों का पर्दाफाश, ये अज पर्दाफाश किया गया। ये जेडे लोग नज़र आ रहे हैं इन पर्दों के इन पोस्टर के कोई आम आदमी पार्टी का कोई कांग्रेस का, शरणजीत सिंह ढिल्लों साढ़े नाल ने एक हवास करके अपने आप को किसान कहता पर हाथ के केजरीवाल का एक पोस्टर फड़िया होया और इदा के खुलासे किए ने। अज शरणजीत सिंह ढिल्लों जे सानेवाल तो श्रोमणी अकाली दल के विधायक ने एक वीडियो भी जारी की गई है। ढिल्लों साहब, जिस तरह के सानेवाल के एक वड्डा काफिला रैली की, वैसे वो रैली काफ़ी सक्सैसफुल रही पर अगे जाके उसका घेराव किया गया, वो लोग पर्दाफाश किया, लोग कौन सी हो? पंजाब के अंदर सारे हिंदुस्तान के अंदर किसानी को बचाने वास्ते संघर्ष चल रहा। साड़ी पार्टी श्रोमणी अकाली दल ते BSP इस संघर्ष की दब के अपना योगदान पा रही है ताकि संघर्ष कामयाब हो। असी किसान अंदोलन का किसान के लीडर का हरेक हुक्म पहला भी मनिया ते गाहां नूं भी मन्नांगे, लेकिन बहुत कुछ शरारती मुट्ठी भर लोग ने जिहड़े इस संघर्ष को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वो झंडा तो फड़ते ने हाथ किसानी का, पग्गां बनते ने हरियां, वो ज़्यादा लोग ने आम आदमी पार्टी के जां कांग्रेस पार्टी के, जिहड़ी साडी एक तरीक नूं रैली हुई इन्हां लोगों का शरारती लोगों का मकसद सी कि किसानी झंडा फड़ के असी सारे पुरन तहश नहश कर दिए, इत्थे लोग लहू लुहान हो, आपसी भाईचारे त्रेड़ा पैन, किसी का जानी नुकसान भी हो सकता सी, लेकिन असी आप ही पुखलाड़ दे विच नहीं आए, अपने वर्करां नूं भी पुखलाड़ दे विच नहीं आउण दित्ता ताकि ना शरारती लोगों के चक्कर के आके असी अपने किसी वर्कर का नुकसान ना कर दीए। सो मैं समझदा ये लोगों का पंजाब का खिलवाड़ करना इन्हों का निशाना, श्रोमणी अकाली दल का निशाना पंजाब को दब के तरक्की दे लैके जाना, आपसी भाईचारा बना। थोड़े शब्दों सानेवाल हल्के के लोगों को की कहोगे, मैसेज की दोगे? क्योंकि मैं सानेवाल हल्के के लोगों को बेनती करांगा कि अमन मान बनाई रखो, तहश दे विच नहीं आना, ये लोग तुहानू तहश दे विच लाउणा चाहुंदे ने, परमात्मा कृपा करेगा इन्हां लोकां नूं, आपे परमात्मा मत देवेगा कि पंजाब दे विच असी इहो जिहे माड़े हालात बन नहीं देणे। जे पंजाब च माड़े हालात बन के गवर्नी राज आएगा, जे गवर्नी राज आएगा किसानी अंदोलन खत्म होगा। सो ये शरणजीत सिंह ढिल्लों जिन्हां ने एक प्रेस नोट रिलीज़ किया, ये लिस्ट जिहड़ी है ये अपने आप दे विच उन्हां नामां दी लिस्ट जारी की है, नाल पार्टी भी लिखी हुई है। ये पूरा प्रेस नोट जिहड़ा 4 पेजा का प्रेस नोट जारी किया और मेरे पिछे
ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ।